Assalamu alaikum viewers, welcome to my plant world. Viewers, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ विंटर के इस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जिसे हॉलीहॉक कहते हैं, इससे सीड्स कैसे कलेक्ट करेंगे वो बताऊंगी. व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अब समर है और जून का महीना है, अब इसमें फ्लावरिंग भी कम हो गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, और इसके फ्लावर्स भी काफ़ी साइज़ में छोटे होना शुरू हो गए हैं. तो अब मैंने इसके सीड पॉट छोड़ दिए हैं, बनना छोड़ दिए हैं, ताकि उसमें सीड्स तैयार होना शुरू हो जाएं. ये देखिए व्यूअर्स, अब इसमें फ्लावरिंग तो हो रही है और प्लांट्स भी काफ़ी हेल्दी हैं, लेकिन उनका साइज़ भी छोटा होना शुरू हो गया और फ्लावरिंग बर्ड्स भी ख़त्म होना शुरू हो गए हैं. ये देखिए, ये अब इसमें कोई फ्लावरिंग बर्ड नहीं है. और ये इस पिंक वाले को देखें तो इसमें अभी कुछ फ्लावरिंग बर्ड्स मौजूद हैं. व्यूअर्स, अभी ये इसका राइट टाइम है कि हम इसके सीड स्पॉट बनने दें, और उसके लिए हम जब ये फ्लावर इस तरह से ड्राई हों तो उन्हें रहने दें. तो फिर उसके बाद इसकी ये बैक वाले हिस्से पर, यहाँ पर इसके सीड पॉट बनना शुरू हो जाएंगे. मैं आपको अभी इसके दिखाती हूँ. ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाले, ये ग्रीन ग्रीन इसके सीड पॉट्स हैं, इनमें इनके सीड्स तैयार होना शुरू हो गए हैं. ये वाला, ये नीचे वाला, ये इसका सीड पॉट है, इसमें भी बनना शुरू हो गए हैं. ये इसकी फ्लावरिंग बर्ड्स हैं. ये देखिए बस, ये इस तरह से जब इसके सीड पॉट ड्राई होकर कुछ इस तरह के हो जाएं तो इन्हें पिक कर लें, क्योंकि इन्हीं के अंदर सीड्स हैं जो कि हम सेव कर लें अपने नेक्स्ट सीज़न के लिए. ये इस टाइप के जो ग्रीन हैं इन्हें नहीं पिक करना. ये देखें व्यूअर्स, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि अब इनको पिक कर लेना चाहिए. ये देखें, जब ये इसमें सीड्स तैयार हो जाते हैं और इसके सीड पॉट ड्राई होना शुरू होते हैं तो ये ऊपर से खुल जाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं. अब इसमें फुली सीड्स तैयार हैं, बस इसे एहतियात से तोड़ लें और फिर इसे किसी कंटेनर में सेव कर लें. बस इसके जो आप सीड्स तोड़ेंगे उनका ये ख्याल रखें. ये देखें व्यूअर्स, किस तरह से इसके सीड्स आपस में जुड़े हुए हैं. और ये देखें, देखें व्यूअर्स, इसके इस तरह के थोड़े चिपटे सीड्स होते हैं, डार्क ब्लैक कलर के. ये देखें, इसको जैसे ही आप पकड़ेंगे ये इजीली आपके हाथ में आ जाएंगे. ये देखें, ये हॉलीहॉक के सीड्स हैं. व्यूअर्स, इसके सीड्स जब आप कलेक्ट कर लें तो इनको सेपरेटली कलेक्ट करें इनके कलर्स के हिसाब से, और फिर उसके ऊपर आप लिख दें कि ये कौन से कलर के सीड्स हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको पता हो कि अब आप कौन से कलर के सीड्स ग्रो कर रहे हैं और उसमें किस कलर की फ्लावरिंग होगी. ये वाले भी, जितने भी इसमें सीड पॉट्स लगे हैं मैं सारे ही उतार लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें तैयार हो गए हैं. ये वाला जो है ये भी कच्चा है. ये देखिए, आपको डिफरेंस इसका फील हो रहा होगा. इसको नहीं उतारना अभी, इसको भी और ड्राई होने दें. और ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा ही कच्चा है, देखो ग्रीन है.
व्यूअर्स, जब तमाम सीड कलेक्ट कर लें तो फिर इन्हें किसी एयर टाइट जार में या जिप लॉक बैग में नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लें और उस जार को लेबल कर लें फ्लावर के नेम के साथ और उसके कलर के साथ। व्यूअर्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हॉलीहॉक को कैसे ग्रो किया जाता है और उसकी क्या केयर करनी चाहिए, तो इस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।